सांसद सुभाष बहेड़िया ने आज पत्रकारों को केंद्रीय बजट 2023-24 पर प्रकाश डालते हुए चर्चा की। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की उपलब्धियों एवं आर्थिक विकास की चर्चा की एवं कहा कि यह अमृतकाल का सप्तऋषि बजट है तथा प्रधानमंत्री के सबका प्रयास मंत्र से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ एवं योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन के साथ अधिकतम लोगों की भागीदारी आर्थिक विकास में सुनिश्चित हुई। भारत में 2014 के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है तथा भारत जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 10वें पायदान पे था आज 5वें पायदान पर आ गया है। सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है। वित्त मंत्री सीतारमण ने विकास की चर्चा करते हुए अवगत करवाया कि 47 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए, लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके खातों में दिया गया, 9.6 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, बैंक खातों के माध्यम से 44 करोड़ लोगों का बीमा कवर दिया गया। वित्त मंत्री ने मुफ्त अनाज योजना एक वर्ष के लिए और बढ़ाते हुए बताया कि अब तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने पर 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सेंट्रल को प्लान बना दिया और यहाँ पे भी इसमें एक बार बताओ, मैं भी 40 साल से इस बिजनेस को देख रहा हूँ। जो 40 साल पहले स्थिति थी उसमें काफी सुधार हुआ है। 40 साल पहले तो किसी प्रोसेस हाउस में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, कोई भी प्रोसेस हाउस यूज नहीं करता था किसी भी। आज करीबन 90% 95% पानी वो रीयूज कर रहे हैं क्योंकि एक तो पानी मिल ही नहीं रहा। धीरे 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 उसकी ये स्थिति कर रही है। थोड़ा वो के लिए ये जो आगे अपग्रेडेशन हो रहा है और ये लग रहे हैं क्या कहते हैं उसको, आरओ के बाद में एक होता है जो सुखाने का काम करता है, जो कंसंट्रेट लग जाता है वो प्लांट।